दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कमलेश उपाध्याय हरिपुरी और आज की कहानी का शीर्षक है जब सोचो तब सवेरा। कहानीकार हैं डॉक्टर भोला दत्त जोशी। सुनते हैं आज की कहानी। उत्तराखंड से दिल्ली में आकर बसे एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में द्वितीय संतान के रूप में एक प्रतिभा संपन्न बालिका ने जन्म लिया। बालिका का जन्म श्री बालादत्त पंत के घर 6 अगस्त 1964 को हुआ था। उसका नाम गीता रखा गया। पिता सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय मानक संस्थान में उच्च अधिकारी थे। वे कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति थे। माता पास की पाठशाला में अध्यापिका थी। स्वाभाविक रूप से उनके संस्कारों की छाप बालिका गीता पर पड़ी। गीता का बड़ा भाई गोपाल विदेश विभाग में अधिकारी बना और छोटे भाई नीरज को दिल्ली के स्थानीय निकाय में नौकरी मिल गई। सबसे छोटी बहन मोनिका पब्लिक स्कूल में शिक्षिका बनी, जो श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हुई। प्रखर बुद्धि की बालिका गीता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई देश के प्रसिद्ध विद्यालय श्रृंखला के तहत चलने वाले केंद्रीय विद्यालय से संपन्न की। बचपन से ही गीता के मन में कुछ नया करने की सोच दिमाग में उथल पुथल करती रहती थी। वह आगे बढ़कर शिक्षा जगत के लिए कुछ शोध करना चाहती थी। बताया जाता है कि वह विद्यालय की हर एक गतिविधि में भाग लेती थी और अव्वल स्थान पाती थी। उसे विद्यालय में हेड गर्ल का खिताब हासिल था। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण भाषा में उसकी पकड़ काफी मजबूत थी। वाक चातुर्य की प्रचुरता से वह अपने शिक्षकों की प्रिय छात्रा रही थी। गीता पंत ने अपनी पढ़ाई स्नातक स्तर तक जारी रखी। स्नातक की पढ़ाई के दौरान वह भारतीय विमानपत्तन केंद्र के रखरखाव विभाग में अभियंता के पद पर कार्य करने वाले होनहार युवक श्री राजीव मिश्र के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। इसके बाद उसे अनेक पब्लिक स्कूलों में पढ़ाने का अवसर मिला। बाद में परिवार की जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु उसे अपना शिक्षण कार्य स्थगित करना पड़ा, मगर कुछ नया करने की तमन्ना मन में बनी रही। अपने दोनों बच्चों मनु और शैली की प्रारंभिक शिक्षा पर उसने पूरा ही ध्यान दिया। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। सांसारिक संघर्ष जारी रहा। उसका विश्वास था कि अंधेरे के बाद प्रकाश अवश्य आता है। मन पर पैठ बना चुके इस संकल्प ने फिर करवट ली और गीता ने अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू करने की ठान ली। काफी संघर्ष के बाद एमए बीएड किया और उसने उसके उपरांत सरकारी विद्यालय में प्रारंभिक अध्यापिका बन गई। कुछ वर्षों के बाद उसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रोन्नत मिली। परिवार की समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए उसने अध्ययन जारी रखा। ऊंची उड़ान भरना हमेशा पसंद था। कहते हैं ना कि जो परिश्रमी होता है उसकी मदद ईश्वर सहज ही करते हैं। अतः विद्या की देवी मां सरस्वती का हाथ गीता मिश्र के साथ हमेशा ही रहा। गीता मिश्र का जीवन हर कदम पर उसे चुनौती देता रहा। चुनौतियों को पार कर वह निर्भीक होकर विश्वस्त मन से आगे बढ़ती रही। कठिनाई के हर एक मोड़ पर उसके पति श्री राजीव मिश्र ने उसे भरपूर सहयोग दिया था। हर एक मानव अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कतिपय उद्देश्यों का निर्धारण करता है। संस्कृत में एक कहावत है ना, उद्देश्यम विना मंदोपि न प्रवर्तते, अर्थात बिना उद्देश्य के मूर्ख व्यक्ति भी अपनी जगह से नहीं हिलता। फिर भला
बुद्धिमान मनुष्य बिना उद्देश्य के कैसे रह सकता है। गीता मिश्र ने कुछ विशेष नवाचार करने का अपना पुराना ख्याल कभी धूमिल नहीं होने दिया। फलस्वरूप गीता ने शोध करने का विचार बनाया और बहुत परिश्रम से अपना नाम एक विश्वविद्यालय में पंजीकृत करवा लिया। शोध हेतु सामग्री एकत्रित करना एक टेढ़ी खीर था। अनुशासन के साथ सरकारी कार्य करते हुए शोध के लिए समय निकालना आसान नहीं होता है। मैं इस बात से भली भांत परिचित हूं। कहते हैं ना, खग जाने खग ही की भाषा। मैं भी एक अध्यापक हूं और अध्यापक की नैतिक जिम्मेदारी समझता हूं। अथक परिश्रम और एक निश्चित अंतराल के बाद गीता मिश्र को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। गीता मिश्र अब डॉक्टर गीता मिश्र हो चुकी थी। डॉक्टर गीता मिश्र की लगन, मेहनत, अनुशासन, कार्यक्षमता, निष्ठा, वाक चातुर्य, योग्यता और आगे बढ़कर नवाचार के प्रयोगों के जुनून के कारण उसका नाम दिल्ली के शिक्षा विभाग में कार्यरत चुनिंदा अध्यापकों में सर्वोपरि लिया जाता है। डॉक्टर गीता मिश्र विशेष योग्यता रखने वाले दिल्ली के अपने शिक्षक साथियों के साथ एक परिशोधित शिक्षा परियोजना हैप्पीनेस करिकुलम से जुड़कर शिक्षा जगत को अपना विशेष योगदान दे रही हैं। इस विशेष प्रकार के कार्यक्रम के तहत डॉक्टर गीता मिश्र को कोर कमेटी की सदस्य, जिला संयोजक और मेंटर टीचर के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि हमें अपने नेक इरादों पर अडिग रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ मन से संकल्प करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए तन मन से जुटना चाहिए। डॉक्टर गीता मिश्र का जीवन उन सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा जो अपने मन में संजोए सपनों को सामाजिक तानों बानों में फंसे रहने के कारण आगे बढ़ने से रह जाते हैं। और इस कहानी का निष्कर्ष ये निकलता है कि जो व्यक्ति अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करता है वह जरूर सफल होता है। योजनाबद्ध ढंग से की गई मेहनत इंसान को सफलता तक अवश्य ले जाती है। नवाचार करने वाले के द्वारा सोचा गया कार्य यदि पूर्ण कर दिया जाता है तो उसके जीवन का वही सवेरा बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया आप लिखें। अगली कहानी तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।